दस दिए कि SGPC दे वालों हरजिंदर सिंह धामी जोड़े ने वो दावेदार ने उधर अकाली सुधार लहर दे वालों बीबी जगीर को दावेदार ने और बीते दिनों विच भी वेख्या गया। हालांकि कल भी श्रोमणी अकाली दल ने SGPC प्रधान जो कि हरजिंदर सिंह धामी हुण तक रहे ने और हुण आने वाली जिहड़ियां अज इलैक्शन होणियां ने जिहड़ी चोण हो रही है उस दे विच भी दावेदार ने तां उन्हां दे नाल मीटिंग भी की गई सी और इस दरमियान वेख्या गया कि उन्हां दे कार्यकाल नूं लै के भी कई जिहड़े लीडर ने उन्हां दे वल्लों कहा गया कि उन्हां दा कार्यकाल जिहड़ा बहुत वधिया रहा है और उन्होंने सिख कौम दे बच्चियां दे लई विशेष उपराले कीते ने। तां एक बार फिर तो इत्थे हरजिंदर सिंह धामी और बीबी जगीर कौर आमो सामने ने और अज SGPC प्रधान की चोण होनी है, 1 बजे चोण होनी है और तस्वीर जिहड़ी है 1 बजे तक वो साफ हो जाएगी। दस दिए कि अज SGPC प्रधान की चोण होनी है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधानगी अज इम्तिहान है और एक पासे हरजिंदर सिंह धामी ने जबकि अकाली सुधार लहर के वलों बीबी जगीर कौर इतने दावेदार ने। हालांकि इस तो पहला जो हरजिंदर सिंह धामी के नाल गलबात करने की भी कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बीबी जगीर कौर को लेकर किसी भी तरीके का बयान देने तो टिप्पणी करने तो इनकार कर दिता, जबकि बीबी जगीर कौर के वलों हरजिंदर सिंह धामी के कार्यकाल दौरान हुए काम का रिपोर्ट कार्ड मंगया जा रहा है। उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि हरजिंदर सिंह धामी रिपोर्ट कार्ड जिहड़ा इस बाबत पेश करन। तो साडे सहयोगी मनजिंदर साडे नाल लाइव बने हुए ने। मनजिंदर, किस तरह की तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, केड़े केड़े आगू उत्थे पहुंच चुके ने क्योंकि अज SGPC प्रधानगी का इम्तिहान है। मनजिंदर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? प्रधान भी रहे ने बीबी जगीर कौर 2 वारी ते आमने सामने का मुकाबला है, अज शीशा साफ हो जूगा, किदा वेख रहे हो? देखो, श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो इस वे एनुअल साड़ी इलेक्शन है, कोई मुकाबला नहीं है श्रोमणी अकाली दल के कैंडिडेट के सामने। सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे, पिछली बार भी जीते थे और उससे मैं समझता हूँ उससे इस बार वोटें प्लस हो गए, जो तगड़ी वोट से जाकर जीत के आएंगे। सामने जो है वो बीबी जगीर कौर जी बड़े खड़े हैं, हम उनका सत्कार करते हैं, लेकिन बात यह है अभी उनको भी 4 बार उनको श्रोमणी कमेटी का प्रधान बनाया गया है और उसको समय समय से कैबिनेट वजीर बनाया गया है, MLA बनाया गया है, तब तो सब ठीक था। अब क्या हुआ है ये तो यही बता सकते हैं, अब वही श्रोमणी कमेटी है, वही पार्टी है, वही सब कुछ है। अब वो जो कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये उनके लिए भी ठीक नहीं है। जीत का दावा कर रहे हैं जी, वो तो सामने आ जाएगी, अब थोड़ी देर बाकी है, अब थोड़ी देर बाकी है, सब सामने आ जाएगा। हाँ, वह सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी के साथ हम लोग 100 से प्लस वोटें ले गए, पिछली बार भी प्लस वोटें जाएंगे। हाँ, टोटल भाई राम सिंह मेंबर कितने हैं इस बार? शायद 146-147 वोट हैं, 146-147 वोट जो है, 5-7-10 वोट जो है बाहर विदेश में है और बाकी जो वोट डलेगी। अपना रिपोर्ट कार्ड सब धामी साझा करने लोगों नहीं, रिपोर्ट कार्ड साढ़ा सब सारे सिख जगत के सामने हैगा, असं उन्होंने क्यों सामने करिए, वो ही पढ़ लैन जो श्रोमणी कमेटी के प्रधान, वो भी मतलब कि रहे नहीं प्रधान, ऐसी बात नहीं करनी, ऐसी गल नहीं करनी चाहिए। चलो मैं हिंदी बोल पिया बिच। हाँ, एक चीज़ हो रही है कि बीबी जगीर कौर भी लड़ रहे हैं, पंथगत दोनों लड़ते पे ने, पर लगता कि यह फायदा कुछ लोग चुक रहे हैं, एजेंसियां चुक, ये तो सब के सामने भी पंथ विरोधी ताकत जो है बीबी जगीर कौर उन्होंने हाथों में खेल रही है, पंथ विरोधी ताकतों के हत्थों खेल रही है। इस वे BJP सेंटर की सरकार है, स्टेट की सरकार है, वो सभी बड़े जोर शोर से लगी हुई हैं, वो सारे बड़े जोर दियाँ लगिया हुई ने सारिया। जगीर कौर भी गल कविता भी साहब कह रहे हैं कि साढ़े मैंबरों को खरीदने की कोशिश की गई है, ये आए कि नहीं, सारा कुछ रिकॉर्ड है, जो कोई कोई समा आएगा दिखा देंगे। कहते कि जे खरीदने की कोशिश या कोई लालच दिता गया तो दिखाया जाए, मीडिया में रख दिखा देंगे, समा आने दिखा देंगे। तैयारियां हो चुकिया ने, तैयारियां वड्डी गिणती दे विच मैंबर सभा पहुंचने चालू हो गए ने, हर एक दे वल्लों इह दावा कीता जा रहा वा, पर उथे ही इह चीज दिखाना चाहूंगा कि इह तैयारियां जिहड़ियां कीतियां जा रहियां ने, पर हुण सवाल है कि हर एक दे वल्लों दावा कीता जा रहा है प्रधानगी का, पर प्रधानगी का सेहरा किस दे सिर ते हुंदा,
बीबी जगीर कौर भी जो प्रधान सीगे तां उन्हां दा भी कार्यकाल बहुत स्मूद रहा, बहुत चंगा रहा, तां की लगता है मुकाबला बेहद टफ होने वाला है? बिलकुल, सवेर तो ही जिहड़ियां हर एक दी चर्चावां, हर एक दी निगाहां इस इलैक्शन दे उपर टिकियां होईयां ने, ते हर एक मैंबर दे नाल साडी टीम ग्राउंड जीरो उपर गल करिए। मेरे जिहड़े संजोगी ने विश्वजीत, ये भी अंदरों गलबात करके आए ने, ये तुसीं भी एक गलबात कर रहे हो, सवेर दे कवर कर रहे हो, की गलबात निकल के बाहर आई है? बीबी जगीर कौर नाल मैंबर किन्ने आ, एच जी पी प्रधान धामी साहब दे नाल किन्ने आ, क्योंकि हर वल्लों जित दा जिहड़ा दावा कीता। हाँ जी बिल्कुल, जेकर गल करते हैं मनिंदर जी, इतने बिल्कुल जी जित की जी सिर के ताज जो सिरजा जाऊगा अज एडवोकेट धामी साहब होना जोड़ा सिरजा जाऊगा, क्योंकि इतने बार गल की है जेडे मैंबर नाल, तो मैंबर साहबान जे कहते हैं कि कल जी मीटिंग हो चुकी सी उस जे एडवोकेट धामी साहब होना 130 के करीब जे मैंबर जे प्रेजेंट सन, तो कितने कितने जी जित की जी है सिरजना जी कर रहे हैं वह एडवोकेट धामी साहब होना जे हक कर रहे हैं। बिल्कुल, गलबात जी लगातार जी चल रही है इस टॉपिक के उत्ते कि अज एस यू पी सी का जो मैंबर जो 4 बजे के करीब जो चुने जाऊगा, तो सिर के उत्ते जो ताज जो किस के उत्ते जो रखा जाएगा, तो प्रताप सिंह आ चुके हैं गलबात असं कर साहब, कि तैयारियां हो चुकी ने? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल जे अहुदेदारां दी चोण जिहड़ी कीती जांदी है, इस साल भी अज अहुदेदारां दी मान जो प्रधान साहब जूनी सीनियर प्रधान जूनी भी प्रधान जनरल सकत्तर एग्जैक्टिव कमेटी की चोण की जा रही है। इस जिहड़ा हाउस चल रहा है ये 170 मैंबर जिहड़े चुन के आए थे, 15 मैंबर नामजद सीगे, जिन्हां विचों 31 मैंबर जिहड़े वह स्वर्गवास हो चुके हैं, 4 मैंबर साहबान जिहड़े इस्तीफा दे चुके हैं। हुण जिहड़ा हाउस आ उहदे मुताबक जिहड़ी अज पोलिंग जे हुंदी आ ते तां वी साडी पूरी तैयारी आ, क्योंकि बैलट पेपर जां जिहड़े साडे कोल बक्से ने जिन्हां 'च वोटां पैणियां उह बिल्कुल तैयारी आ। 12 बजे हाउस दी कारवाई शुरू होणी आ, सब तों पहलां हुक्मनामा अरदास हो के उस तों बाद जिहड़ा उह एजेंडा पढ़िया जाणा, फिर मानजोग जिहड़े प्रधान साहब ने जिहड़ा उह अज दी कारवाई चलाउणी। हाँ जी, मीडिया उपर जा सकता है? मीडिया का ही पूरा प्रबंध कर दिया गया, लाइव टेलीकास्ट होएगा, उत्तों वो लिंक ले जाएंगे। तो मेहमान में होंगी उसके बाद से प्रशासन लगा देते हैं? नहीं कोई गाली नहीं है, तो मेहमान की गाली कोई नहीं है, क्योंकि विचारों के मतभेद होंगे, कोई डांग सोटे की लड़ाई तो आई नहीं है, तो विचारों के मतभेद आ विचारों ने ही हल होने हैं, ना कि लड़ाई झगड़े। पहुंचे हुए सन हाउस के लगभग, वेखो ये बारे तो अकाली दल के नुमाइंदे पता होगा, पर जो मेरे को इनफॉर्मेशन 95 के लगभग सी, 95 प्लस। बिल्कुल जी, ये तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, तो थोड़े समय तक जो दे सकते हो तुम कि हर एक मैंबर उपर हाउस जाएगा, तो अपनी जी मुहिम जी चोन की वो की जाएगी, जिद एच जी पी सी के सकत्र प्रताप सिंह वालों जानकारी दी गई है किन्ने मैंबर है, किन्ने विदेश के दौरे पर है, तो किन्ने पहुंचे हुए हैं, तो कल भी जोड़े मैंबर पहुंचे सर, पर हूँ कह सकते हैं सब दिन निगाह इस उपर टिकी हुई ने, हाथों के पेपर फड़े होने, तो उन्होंने वालों ये ना बोले जाएंगे, आ देख सकते हो तुम कि ना बोले जा रहे। वाहगुरु जी खालसा वाहगुरू खालसा फतेह जी, की इतने ड्यूटी निभाई जा रही? अज जनरल इजलास का हो रहा है प्रधान साहब की चोण वास्ते, ये मैंबर साहबान की लिस्ट आ, उन्होंने टिक ला के उन्होंने अंदर भेजा जा रहा इतों। चालू की गई है देख सकते हो कि तैयारियां पूरी हो चुकी ने, तो हम थोड़े समय तक किस दे सिर आ जाता हूँ मेहमान पहुँच रहे हैं, और भी असं मैंबर गलबात करने की जरूर कोशिश करा, क्योंकि समा थोड़ा रह गया, तो हर एक सेवा निभाई आ भावें ठीक नहीं है, बीबी जी पहुंचे ने, वाहगुरु जी खालसा वाहगुरू जी फतेह जी फतेह। की कहना चाहोगे, थोड़ा समा रह गया? समा रह गया बस, साढ़े को जो कुछ है असं खड़े हाँ डट के,
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਥ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਲਕੂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ